हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक जिम फिटनेस ऐप क्रिएट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एप्लीकेशन का डेमो दिखा देते हैं। तो जैसे यहां से ओपन करेंगे, सबसे पहले एक स्प्लैश स्क्रीन ओपन होके आएगा। होने के बाद यहाँ पर आप मेन वर्कआउट से आप देख सकते हैं, सारी वर्कआउट से रिलेटेड यहाँ पर जो स्टार्टिंग का जो भी सेक्शन है वो सारे सेक्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही एडवांस एप्लीकेशन है और इसका जो डेमो है, डेमो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी मिल जाएगा, आप सिंपली उसको देख भी सकते हैं। तो मैंने किसी एप को यहाँ से जैसे ओपन किया, ओपन करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं सारी जो इसकी वर्किंग है टोटल 30 डेज का, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे स्टार्ट वर्कआउट पर जैसे क्लिक करते हैं तो इसमें वॉइस भी आएगा, और जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से आपका सारी जो स्टेप्स है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर वीडियो का भी ऑप्शन है, और यहाँ पर अगर जो वॉइस है, वॉइस भी आप सुनना चाहते हैं तो वॉइस भी आप यहाँ से सुन सकते हैं। तो यहाँ पे बाकी सारे जो फीचर्स है काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, एडवांस्ड एप्लीकेशन है ये। तो जैसे इसको ओपन करते हैं, लाइक यहाँ पे जो शोल्डर एंड बैक से रिलेटेड जो भी यहाँ पे वर्कआउट है तो वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो इसकी वर्किंग है काफ़ी अच्छी है, और इसका जो एप्लीकेशन है हम यहाँ से आपको क्रिएट करके बताएँगे कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ से सारा जो डेमो है, यहाँ से हमारा डेमो कम्प्लीट हो गया, ये सारे स्टेप्स आपको मिल जाएंगे। इस एप्लीकेशन को आप यहां से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। इसके बाद यहां से हम ओपन कर लेंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को। तो एंड्रॉयड स्टूडियो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो, आप उसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड जो मिलेगा जब इसे परचेस करेंगे तो आपको सोर्स कोड प्रोवाइड हो जाता है जिप फाइल में, इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है, ये फाइल आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सोर्स कोड मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें दो फाइल आपको मिलेंगी, एक डॉक्यूमेंटेशन का, एक सोर्स कोड का। तो डॉक्यूमेंटेशन की फाइल index.html पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में मेनली जो भी स्टेप्स होते हैं रेस्किन करने का, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा रहता है, तो इसको आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। दूसरा फाइल है यहाँ पे सोर्स कोड का, तो सोर्स कोड का हम यहाँ से इंपोर्ट करना बताएंगे, तो इसको कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले जो सोर्स कोड एक्सट्रैक्ट किया उसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप से, और आपको किसी भी एक ड्राइव को चूज़ कर लेना सी ड्राइव के अलावा। तो सी ड्राइव को आपको नहीं चूज करना, उसके बाद जो भी आपके पास ड्राइव है आप उसको कहीं पे भी इसको रख सकते हैं, सोर्स कोड को जो मैंने यहाँ पे आपको जो मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद से इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे जो सोर्स कोड है इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। इसका जो पाथ है तो सिंपली पाथ को यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और यहाँ से हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पर आते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं। तो यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था पाथ को यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नहीं आता है जो आपने पाथ पेस्ट किया है, तो आपका दूसरा मेथड है कि यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से मैनुअली सर्च करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से हम जाते हैं अपने, मैंने ई ड्राइव के अंदर रखा हुआ था, तो ई ड्राइव के अंदर जाते हैं, फोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस भी डायरेक्टरी पे आपने रखा हुआ है अपने सोर्स कोड को उस डायरेक्टरी को यहाँ से चूज कर लेना है। तो मैंने यहाँ से चूज कर लिया। आपको अपने नेट को ऑन रखना है, और यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन ओके। इसके बाद से आपका जो सोर्स कोड होगा यहाँ से इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंपोर्ट होने में टाइम लग जाता है अप्रॉक्सीमेट, ये आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर नेट की स्पीड अच्छी रहती है तो जल्दी से इंपोर्ट हो जाता है, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं, डिपेंडेंसी होती है, और लाइब्रेरीज होती है जो कि ऑनलाइन ही डाउनलोड करता है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं थोड़ा सा वेट, जब तक यहाँ पर इम्पोर्ट हो रहा है हमारा सोर्स कोड। और इसी के साथ साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन में वो मैंने यहाँ पे मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन जब ओपन करेंगे तो उसमें सारे स्टेप्स लिखे रहते हैं इस एप्लीकेशन को कैसे रेस्किन करना है। तो बहुत ही एडवांस एप्लीकेशन है ये, और अगर इस टाइप का एप्लीकेशन आप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर सिंपली इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए इस टाइप का एप्लीकेशन अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से अभी हमारा जो फाइल है यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, तो वीडियो को हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं जब तक यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। तो मेरा सोर्स कोड यहाँ से इंपोर्ट हो चुका सक्सेसफुली, आप यहाँ से देख सकते हैं। होने के बाद आपको जब भी यहाँ पे इंपोर्ट होता है आपका सोर्स कोड, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है जब तक इंपोर्ट नहीं हो जाता, ठीक है।
इसके बाद से हो जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे बिल्ड और ग्रेडल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका मिनिमम एसटीके वर्जन है वो यहाँ पे 21 है और यहाँ पे टारगेट एसटीके वर्जन है वो है यहाँ पे 30, जो कि यहाँ पे परफेक्ट है। यहाँ पे अगर इसका वर्जन चेंज करना चाहते हैं सोर्स यहाँ पे कोड का, तो यहाँ पे 1 है एंड 1.0 है। तो इसको जो स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में 1.1 ही रहने दीजिए अगर आप चेंज करना चाहते हैं या फिर अपडेट करते हैं प्ले स्टोर पर, तो यहाँ से आपका वर्जन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इनिशियल है, तो अभी इनिशियल में हम 1 एंड 1.1 ही रहने देंगे। और अगर कुछ चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद सिंक्रोनाइज़ पे आपको क्लिक करना होता है, तो सिंक्रोनाइज़ हो जाता है प्रोजेक्ट। इसके बाद से यहाँ पे हम जाएंगे मैनिफेस्ट वाले फाइल में। तो मैनिफेस्ट वाले फाइल में मेनली सारी कोडिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी लोगो है, तो लोगो आप यहाँ से अगर चेंज करना है तो चेंज करेंगे, तो अभी हम बताएंगे कैसे चेंज करना है। इसके बाद से हम यहाँ से आपको दिखाते हैं कि अगर पैकेज नेम आपको चेंज करना है, तो पैकेज नेम आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ पे लॉन्ग यहाँ पे है, काफ़ी यहाँ पे लंबा है, देख सकते हैं। तो मेनली जो कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पैकेज का नेम यहाँ पे ज़्यादा ऐड किया जाता है। तो बेसिकली हम इस एप्लीकेशन को रेस्किन कर रहे हैं, और कैसे रेस्किन करना सारे स्टेप्स हम आपको यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको ओपन किया होम एक्टिविटी को, यानी कि जो भी होम वाले पार्ट में एक्टिविटी है, यहाँ पे जो बैकेंड वाइन कोडिंग है यहाँ से हम देख सकते हैं, जो कि कोटलिन का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे जो फ्रंट एंड का जो कोडिंग है, यहाँ पे एक्सएमएल का यूज़ किया गया है। तो इसको भी हम यहाँ से एक्सप्लेन कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम नीचे आएंगे, तो नीचे वाले को भी हम यहाँ से कोडिंग करके आप यहाँ से एक्सप्लेन करके चेक कर सकते हैं, कहें कि आपके कोड में कोई एरर तो नहीं है। बेसिकली इसमें कोई आपको एरर नहीं मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे बहुत ही क्लियर कोड है। ठीक है, तो फिर भी आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद से जो भी इसमें पार्ट है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो इसको आप एक्सप्लेन करके चेक कर लीजिए। यहाँ पे हो जाने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे आरईएस यानी कि रिसोर्स वाली फाइल में। ड्रॉएबल फोल्डर में सारे इमेजेस रहते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट इमेज सारे चेंज करना चाहते हैं, लोगो चेंज करना है, तो इसके लिए आपको अपने सोर्स कोड पर आना है। SRC के अंदर जाएंगे मेन, एंड इसके बाद से RES के अंदर जाएंगे, फिर यहाँ पे ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर इतनी सारी इमेज, अगर व्यू इसका चेंज करना चाहते हैं, ऐसे व्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी इमेजेज हैं, स्प्लैश स्क्रीन का इमेज है, और जो स्टार्टिंग में जो इमेज है वो सारी इमेजेज है। फिर यहाँ पे लोगो का इमेज है, यहाँ पर डार्क मोड एंड लाइट मोड दोनों टाइप का जो इमेज है वो यहाँ से आप इसको जो भी इसकी साइज है, आप साइज जब कोई न्यू इमेज बनाएंगे, तो इमेज आप मेनली कैनवास बना सकते हैं, फिर ऑनलाइन भी बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, बट कैनवा से काफ़ी अच्छा बनता है इमेज, तो आप कैनवा का यूज कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे लोगो बनाना है, तो लोगो आप फ्लैट आइकन का एक वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से भी आप कोई भी आइकन है फ्री में बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो इमेज होगा यहाँ से चेंज हो जाएगा, और आपको इमेज को चेंज कर लेना है। लोगो हो गया, इमेज को भी चेंज करना मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही आपको चेंज करना है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी है, तो एप्लीकेशन आईडी यानी कि जो पैकेज नेम आप चेंज करेंगे, तो वही पैकेज नेम को जब आप चेंज कर लेने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी है, वहाँ पे आपको ऐड कर देना होता है। तो अगर आप किसी पैकेज नेम को यहाँ पे चेंज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिफैक्टर, रीनेम, रीनेम पैकेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो भी पैकेज का नेम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, ऐड करने बाद यहाँ पे रिफैक्टर पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो पैकेज का नेम होगा वो यहाँ से सिंपली चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से पैकेज के नेम को भी चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से हम मैंने आपको बता दिया पैकेज के नेम को कैसे चेंज करना है, लोगों को कैसे चेंज करना है, बाकी सारे जो बेसिक इमेजेज हैं इमेज को कैसे चेंज करना है। ओके, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा, और इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो यहाँ से हम आपको बताएंगे कि इसमें जो भी इसको हम यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं, लेआउट में जाते हैं, लेआउट में जो भी इसकी लेआउट वाली पार्ट है, लाइक यहाँ पे होम एक्टिविटी है, जो इसका फ्रंट एंड का कोडिंग है, वो सारे लेआउट वाले पार्ट में आता है, लेआउट वाले में डिजाइनिंग किया जाता है। तो आप यहाँ इसको यहाँ से देख सकते हैं, इसमें जो कलर्स होते हैं और जो भी टेक्स्ट होते हैं, तो सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद से जो एप्लीकेशन का नेम है, तो एप्लीकेशन का नेम आप यहाँ से चेंज कर लेंगे, ऐप अंडरस्कोर नेम के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेन वर्कआउट, तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन का नेम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद से जो एडमोब का ऐड है, तो एडमोब का एप्लीकेशन की आईडी आपको string.xml में रखना है, एडमोब की ऐप आईडी, और जो ऐड आईडी है वो आपको जावा वाली कोडिंग में रखना है, तो अभी हम आपको बता देंगे किस में रखना है। उसके वैसे जो कलर है, तो color.xml में आएंगे, तो color.xml में आपका जो सारा कलर होते हैं एप्लीकेशन का कलर, यहाँ से मॉडिफाई आप करेंगे।
तो यहाँ से आप सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ से जावा वाली कोड को यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं और यहाँ से आपको बता देते हैं कि कैसे इसमें जो कि हमारा एड मोड का ऐड है या फिर फेसबुक का ऐड है उसको हम कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, यूटीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट डॉट यहाँ पे कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग की जो कोड है यहाँ पे कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग डॉट के टी, इसको यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ पे जस्ट नीचे आपको आना है और बाकी सबको यहाँ से आप इसको एक्सप्लेन करके चेक कर सकते हैं। फिलहाल तो कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग डॉट के टी का जो फाइल है उसी में आपको जो ऐड है ऐड आपको चेंज करना है। अगर बाकी सब कुछ आप डिटेल देखना चाहते हैं तो सब आपको डॉक्यूमेंटेशन में जो कि बेसिक स्टेप्स कुछ हैं उसमें आपको मिल जाएगा। और इसमें हम यहाँ से पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक डीबी ब्राउज़र का होता है, इसमें डीबी ब्राउज़र में मेनली अगर जो कोई कोड होता है यहाँ पे डॉट डीबी नेम का जो डेटाबेस ऐड किया जाता है जो कि मेनली इसमें यूज़ किया जाता है। फिलहाल इसमें कोई यूज नहीं है तो फिर भी हम आपको दिखा देते हैं कि अगर इसमें डॉट डीबी का कोई कोड होता है तो कैसे ओपन करेंगे। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं, पहले ऐप के अंदर जाते हैं और यहाँ पर SRC में जाएंगे मेन के अंदर और यहाँ पे एसेट का एक फोल्डर मिलेगा। एसेट के फोल्डर में मेनली कभी कभी क्या होता है डॉट डीबी की फाइल होती है, डॉट डीबी का मतलब होता है उसमें एक कोडिंग होती है और यहाँ पे डेटाबेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप यहाँ से पहले यहाँ से हमको दिखा देते हैं, इंटर करेंगे तो इंटर करने के बाद यहाँ पे डॉट डीबी का जो एक्सटेंसर रहेगा तभी इसमें ओपन होता है। तो इसमें कोई अवेलेबल नहीं है यानी कि डॉट डीबी की फ़ाइल नहीं है इसमें, तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको अभी कट कर देते हैं। और अगर कोई डॉट डीबी की फ़ाइल रहती है तो आप इसको यहाँ से चेंज करेंगे और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बस इमेज ऐड किया गया है, इसमें इस एप्लीकेशन में कोई भी XML या फिर डॉट डीबी की कोई फाइल नहीं है, बस यहाँ पे इमेज ऐड किया गया है और जो कोडिंग किया गया है कोडिंग के अकॉर्डिंग सबका मूवमेंट कराया गया है, ओके। तो इस तरह सारी इमेज बेसिकली इसमें ऐड किया गया है, जो भी जिम में यूज हो रहा है जितने भी इमेज तो सारी इमेज इसमें यूज किया गया है, ओके। उसके बाद हम ऐसे डॉक्यूमेंटेशन सिंपली ओपन करके पहले दिखा देते हैं आपको, जैसा कि मैंने आपको सारे स्टेप्स बताया तो सारे स्टेप आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एक मेन पॉइंट है यहाँ पे, वो है JSON फाइल। तो JSON फाइल आपको वहाँ से मिलेगा जब फायरबेस का, इसमें आपको क्या करना है कि फायरबेस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसमें फायरबेस का जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे तो उसमें आपको एक डॉट JSON की फ़ाइल मिलेगी, उसी फाइल को सिंपली इसमें अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर देना है, ओके। तो यहाँ से आपका JSON ऐड हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ से ऐड को चेंज करेंगे, ऐड को चेंज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है, कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग डॉट के टी को ओपन करना है। यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी आप इसको चेक कर लेते हैं जो कि है यहाँ पे लाइन नंबर 128। तो इसको हम यहाँ से चेक करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फेसबुक है तो फेसबुक का ऐड आप यहाँ से चेंज करेंगे, जो एडमो का ऐड है यहाँ से आप इसको एडमो का ऐड चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से चेंज कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको सारे स्टेप्स क्लियर समझ में आ गए होंगे कि कैसे इसको चेंज करना है, और जो यहाँ पे JSON है JSON को भी आपको ऐड कर लेना है। सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाने के बाद ही आपको इस प्रोजेक्ट को रन कराना है। तो आप रन कराने के लिए सिंपली यहाँ पे एंड्रॉयड का इमुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन में भी चेक कर सकते हैं, जो कि आपको .apk फाइल जनरेट करना पड़ता है, बिल्ड APK फाइल। तो इसको फिलहाल अपने मोबाइल फ़ोन में रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ से आप अपने मोबाइल फ़ोन को मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। तो जैसे इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसका लेआउट है, काफ़ी अच्छा लेआउट यहाँ पर शो हो के आ रहा है। और यहाँ पर मेन वर्कआउट है, ऊपर यहाँ पर नेविगेशन बार भी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर होम कॉन्टेक्टर्स शेयर एंड रेटर्स का यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जब इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पब्लिश कर देंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिक ही प्ले स्टोर का लिंक यहाँ पे ले लेगा और रेटस में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही किसी ऐप को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पे जो कि स्टार्ट हो जाती है इसकी वर्किंग, तो यहाँ से इसमें वॉइस भी है, तो यहाँ से मैंने वॉइस को भी म्यूट किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे वॉइस नहीं शो हो रहा है। इसका लिंक आपको, डेमो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली इसको क्रिएट करने से पहले चेक भी कर सकते हैं या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं इसके डेमो को।
तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से इस एप्लीकेशन को आप क्रिएट कर लेंगे। अगर कोई डाउट रहता है या फिर इस टाइप का कोई एप्लीकेशन आपको क्रिएट करवाना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हम मैसेज कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका सारा वर्किंग हो जाएगा, जो कि काफ़ी एडवांस एप्लीकेशन है और इसको आप बहुत ईजी तरीके से क्रिएट कर लेंगे। होप्स हो कि आपको सारे स्टेप्स क्लियर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो मैंने इसमें सारे स्टेप्स बस बताए हैं आपको कैसे क्रिएट करने के लिए, कि कैसे इसको क्रिएट करना है, कैसे इसमें सारी चीज़ें चेंज करनी है, इमेज कैसे चेंज करना है। तो मैंने इसको करके नहीं बताया, बस मैंने आपको बता दिया है सारे स्टेप्स को कि कैसे करना है। ठीक है, तो करना आपका काम है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।